हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हम लोग आ चुके हैं न्यू वीडियो लेके। तो हमारी वॉर लग चुकी है आज ओलिम्पो रिटर्न्स नाम के एक क्लैन के साथ, जो एक इंटरनेशनल क्लैन है। ठीक है, लेवल 17 का क्लैन है और भाई ठीक ठाक क्लैन है। तो आज हम लोग अटैक करने वाले हैं नंबर 24। भाई ये बेस है नंबर 24 का। टी एच 13 है डिफेंसिस, टी एच 10 के 9 के मैक्स, और टी एच नंबर 23 पे, दोनों टी एच 13 डिफेंसेस तो उतने हाई लेवल के नहीं हैं, बट 9 और 10 के डिफेंसेस है और 2 इन्फर्नोस है, ये अच्छी बात है। 3 इन्फर्नोस नहीं है। और इस बे मतलब बेस तो इजी है, इजी निकाल लेंगे लावा लून के साथ। और आज हम लोग इस बेस पे अटैक करने वाले लावा लून आर्मी के साथ, और साथ में ब्लिजर्ड भी कर रहे हैं। तो ये है हमारी आर्मी 23 बलून्स, तो लावा हॉन्ड और आइस कॉलम, ताकि किंग क्वीन के साथ एनिमी की हीरोज टेक डाउन कर पाए क्वीन। और सीसी में रहेंगे 2 सुपर विजार्ड्स, 1 सुपर आर्चर और 2 इनविजिबल और प्लेम्प। तो चलो सीधा अटैक के लिए चलते हैं। तो गाइस पहले ब्लिम्प और लून जाएगा ईगल के साइड से। तो पहले 2 लून, पीछे से ब्लिम्प, एक वो कंपार्टमेंट में फोड़ेंगे ब्लिम्प को, एक इनवी ब्लिम्प फोड़ देंगे क्लोन रेज। चलो फटाफट विजर्ड्स काम कर दो बस। भाई विजर्ड की आधी एचपी जा चुकी है, फटाफट इनवी डालना पड़ेगा वरना विजर्ड्स ऐसे ही मर जाएंगे भाई। चलो नाइस, विजर्ड तो अच्छा काम कर रहे हैं। टीएच भाई, टीएच तो मिस हो गया। ये हो गया है अपने साथ गलत सीन। अभी अपने को किंग क्वीन और आइस गोलम के साथ टीएच निकालना पड़ेगा वरना बहुत बड़ा सीन हो जाएगा इस। चलो कम ऑन किंग, वॉल ब्रेकर आएगा ताकि किंग अंदर जाए और क्वीन भी उसी रास्ते से अंदर जाए ताकि हमको टीएच मिल सके। भाई पागल, क्वीन अलग जा रही है, आइस गोलम अलग जा रहा है, ये तो भाई कुछ गलत ही सीन हो गया यार। किंग अपना मर चुका है, क्वीन अलग जा रही है भाई। अब तो लून्स के साथ ही टाउन हॉल निकालना पड़ेगा और कोई रास्ता बचा नहीं है अपने पास। आइस गोलम कुछ काम में नहीं है अपना, फ्रीज करके बस रख गया, पीछे मारने वाला कोई नहीं है। अब अपने को लावा लून स्टार्ट करना पड़ेगा। इधर से एक लावा, 3 बलून्स डिफेंस के ऊपर, पीछे से आएगा ग्रैंड वार्डन। क्वीन भी अपनी ख़त्म होने के कगार पे ही है। अब जो है अपने को लून्स के साथ ही लेना पड़ेगा, एबिलिटी में टाउन हॉल उड़ाना पड़ेगा वरना लून्स अपने ऐसे ही मर जाएंगे। चलो इधर से भी लावा और लून्स स्टार्ट कर देते हैं। एक फ्रीज डाल देंगे टाउन हॉल पे ताकि वो अपने लून्स को डैमेज ना करे। भाई इन्फर्नो तो है, इन्फर्नो फ्रीज नहीं हुआ। बुड्ढे की एबिलिटी मार देंगे ताकि लून्स बचे रहे अपने, वरना भाई लून्स तो 6 के 7 के लून्स है भाई, कितना ही बच पाएंगे टाउन हॉल 13 के पास। चलो टाउन हॉल तो निकल गया अपना, और पीछे से जो लून्स बचे वो डाल देंगे, मिनियंस डाल देंगे क्लीन अप के लिए। क्या ये हो गया गाइस, 3 स्टार इन्फर्नो बचा है बस एक सिंगल, बहुत सारे बलून्स बचे हैं भाई। ये हो गया, हाँ गाइस ये तो हो चुका अपना 3 स्टार। भाई मेरे को थोड़ी देर के लिए लगा था कि ये बेस तो फेल, ख़त्म, टाटा बाय बाय, कुछ नहीं हो सकता अब, पर एट द एंड बेस उड़ चुका है अपना। ये हो चुका अपना 3 स्टार अटैक। आई थिंक सो टाइम का ही सुनाओ बस भाई, टाइम बहुत कम बचा है, 16-15 सेकंड एट द एंड 3 स्टार आई थिंक सो हो जाएगा भाई, 98%। ये तो भाई टाइम का इशू हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप करोगे इजी 3 स्टार हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेस है अपना 24th नंबर, ठीक है, इस पे अपने को 3 स्टार निकालना। ये भी सेम टाउन हॉल 13 है, डिफेंसेस लेवल 10 के 11 के हैं कुछ, आर्टिलरी लेवल 2 का है ईगल आर्टिलरी, इन्फर्नोज मल्टीपे है 2, एक्सबो तो लेवल 9 के है भाई, लेवल 3 के एक्सबोज है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आरसी इस पे ज़्यादा है। तो चलते हैं, ट्रूप्स तो आ चुका है अपना और आर्मी भी ट्रेन हो चुकी है, सीसी में आ चुके हैं सुपर विजार्ड्स और लावा लून तो कुकी है अपना। तो चलो सीधा अटैक देते हैं। तो ये आ चुका है बेस। तो पहले हम लोगों को टाउन हॉल के साइड से 2 बलून और ब्लिम्प डिप्लॉय करना है। तो पहले हम लोग 2 बलून्स डालेंगे, पीछे से डालेंगे ब्लिम्प, ब्लिम्प को एक्सबो के ऊपर फोड़ देना है, ठीक है, और इनवी रेज क्लोन आएगा वहीं पे। तो पहले ब्लिम्प को फोड़ेंगे, इनवी ब्लिम्प फोड़ी क्लोन रेज रेज, फिर से इनवी, टाउन हॉल तो मिल चुका है अपने को, एक इन्फर्नो भी मिल चुका है, क्या ईगल मिल पाएगा, ईगल और वो एक इन्फर्नो जो मिडल में है। इनवी विजर्ड तो अलग ही दिशा में जा रहे हैं भाई, क्या वो इन्फर्नो, चलो ये इन्फर्नो तो मिल जाएगा।
चलो ये इन्फर्नो तो मिल चुका अपने को, ठीक ठाक वैल्यू मिल चुकी है इसमें। टीएच तो एटलीस्ट मिला, अगले अटैक में तो टीएच भी नहीं मिला था, बहुत दिक्कत हो जाता भाई अगर टीएच नहीं मिलता तो। चलो ये बेस्ट हो चुका। अब इधर से हम लोगों को हीरोज़ मतलब क्वीन टेक डाउन करना है जो अपने बलून्स को मार सकते, तो इधर से आइस गोलम डाल के किंग और क्वीन डाल देंगे ताकि ईजिली क्वीन टेक डाउन हो जाए। चलो गुड्डे की किंग की एबिलिटी दे दी हम लोगों ने, क्वीन तो टेक डाउन हो चुकी है सक्सेसफुली। अब लावा लून चालू कर देंगे इधर से, एक लावा एक डिफेंस पे, दो दो तीन तीन बलून्स और पीछे से ग्रैंड वार्डन को डाल देंगे। चलो मस्त काम कर रहा है, इधर से भी लावा लून डाल देंगे। आरसी लावा हॉन्ड पे लॉक हो चुकी है, ये एक अच्छी बात है, वो अपने बलून्स को नहीं टारगेट कर रही फिलहाल। चलो एक फ्रीज स्पेल डाल देंगे आरसी के ऊपर ताकि अपने बलून्स को मतलब ना टेक डाउन करे। एक हेज डाल देंगे ताकि बलून्स फास्ट ईगल को टेक डाउन कर ले, भाई ईगल बहुत डैमेज देता है। बुड्ढे की एबिलिटी भी दे देंगे ताकि अपने बलून्स जल्दी मरे ना। एक हेज दे देंगे ताकि स्पीड बढ़ जाए बलून्स की, ठीक है बलून हेस्ट हो जाए, हंसते हंसते सबको उड़ा दे भाई, समझ रहे हैं। अब पीछे से जो डिफेंसेस बचे उन पे दो दो बलून्स डाल देंगे, ये बेस तो हो चुका है गाइस। अब मिनियंस डाल देंगे क्लीन अप के लिए, ये बेस तो अपना इजीली फूट चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पावरफुल तरीके से फूटा ये बेस, क्योंकि अपने पास अभी भी क्वीन 90% पकड़ सकते हो, 85-90% हेल्थ के साथ बची है अभी भी क्वीन अपनी। और ये बेस तो गाइस उड़ चुका है, इजीली उड़ चुका है, ख़त्म है ये बेस। आरसी और किंग बचा है उनको तो आई थिंक सो मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, कि आरसी को तो क्वीन एबिलिटी में मार देगी, किंग को तो मारने की शायद से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किंग को ज़रूरत पड़ेगी क्या। चलो किंग को ही मार दिया, आरसी को भी मार ही दिया, पकड़ लो आरसी भी डेड है। ये बेस हो चुका है अपना इजीली 3 स्टार। अगर ये बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है भाई, आप टाउन हॉल 11 पे करो कोई भी बेस इजीली 3 स्टार हो जाएगा, ठीक है। ये हो चुका अपना दोनों 3 स्टार, 6 बॉम्बर मार दिया है हम लोगों ने। तो गाइस फाइनली वार तो हम लोग जीत चुके हैं 71 वर्सेस 50। और मैं आप लोगों को एक अटैक दिखाना चाहता हूँ जो मतलब हमारे एक नंबर ने ओपोनेंट के एक नंबर पे किया था, हमारे नईम भाई ने ओपोनेंट के, क्या नाम है कल्ट, क्या नाम है भाई इसका यार, इस पर किया था, मतलब खतरनाक अटैक किया था भाई। देखो अटैक देखो, बस अटैक किया था 9 इलेक्ट्रो ड्रैगन्स 6 बलून्स और ब्लिजार्ड आर्मी के साथ, ठीक है। सीसी में लिया था ब्लिम्प और विजार्ड्स सुपर विजार्ड्स और 4-5 ये इनवी स्पेल, 3 रेज स्पेल, 3 फ्रीज स्पेल और भाई वार्डन के हीरोज़ तो मैक्स लेवल के ही हैं बस। हाँ किंग भी मैक्स लेवल का ही है आई थिंक सो, हाँ सब मैक्स है, ठीक है। इस बेस पे किया था एकदम बिल्कुल 3 स्टार भाई, खतरनाक अटैक दिया था। पहले 2 बलून्स डाल के ब्लिम्प डिप्लॉय कर दिया, उसके बाद रेज इनवी और ईजिली टाउन हॉल टेक डाउन हो गया, और इधर से आरसी भी मिल जाएगी, हाँ आरसी भी मिल गई और ये इन्फर्नो भी मिल गया, बहुत खतरनाक वैल्यू मिला था इनको ब्लिजार्ड के साथ, ठीक है। और लेफ्ट साइड से एक इलेक्ट्रो डाल के और उधर से बारबेरियन किंग को डिप्लॉय करके फनल बना के सारे इलेक्ट्रोस डाल दिए मिडिल में, इलेक्ट्रोस को पूरा बेस को ईगल के साइड से घुमा दिया इलेक्ट्रोस को, ठीक है। किंग उधर से अपना फनल बना रहा था, इलेक्ट्रोस कोर में जा रहे थे, और इधर से आरसी भी डिप्लॉय कर दिया एकदम मिडिल में, और पीछे से बुड्ढा है, बुड्ढे की एबिलिटी अभी भी बची है। बेस तो भाई 70% बेस उड़ी गया, अभी भी क्वीन जिंदा है भाई, वो भी 70% हेल्थ के साथ, देख सकते हो भाई। किंग अभी भी जिंदा है, कितना टैंक करेगा किंग भाई, अभी तक किंग जिंदा है, देख रहे हो कितना पावरफुल तरीके से स्ट्रेटजी, मतलब कितना पावरफुल तरीके से 3 स्टार निकाला इस बेस को। अभी सिंगल इन्फर्नो बसा है बस, वो भी इन्फर भाई इसी टाइम पे बुड्ढे की एबिलिटी भी यूज़ कर ली यार, खतरनाक। यूनिकॉर्न भी बच गया अपना, ये तो हो चुका है गाइस, बहुत खतरनाक स्ट्रेटजी है, एकदम मस्त अटैक है ये अटैक, मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है मालूम है। अगर आप लोग टीएच 14 पे है तो ये अटैक स्ट्रेटजी जरूर ट्राई करो भाई, खतरनाक स्ट्रेटजी है इलेक्ट्रो ड्रैगन विद ब्लिजार्ड। तो गाइस तुम्हें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना ताकि हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास पहुँच पाए, और कमेंट करना ज़रूर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।